नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर का। को मतदान करना पड़ेगा, गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा चुनाव में बंटने से रोकने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूलियां खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता होगा ऑडियो वायरल हुआ था जी, बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था क्या? ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक वाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बुलडोजर का समर्थन किया है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, बुलडोजर को मतदान करना पड़ेगा, गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा चुनाव में बंटने से रोकने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूलियां खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता होगा ऑडियो वायरल हुआ था जी, बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था क्या? ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक वाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बुलडोजर का समर्थन किया है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, बुलडोजर को मतदान करना पड़ेगा, गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा चुनाव में बंटने से रोकने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूलियां खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता होगा ऑडियो वायरल हुआ था जी, बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था क्या? ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक वाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था।